यस सर, चलिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन ए बी सी डी ऑफ साइड 56. तो बच्चों ये जो साइड है 56 है और स्क्वायरिक लॉन है. तो देखो बच्चों जब ये 56 है, नीचे वाली 56 है और ऊपर वाली भी 56 है, 56 और 56, तो बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम से ये जो निकलेगा ये 56 रूट टू आएगा कि नहीं आएगा बताओ. यस सर, ये हो गया 56 रूट टू. और अब हमें देखो ये 56 रूट टू क्या हुआ, ये पूरा का पूरा, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, चलो मैं ब्लैक ही कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको. ये देखो ये मैंने ब्लैक कर दिया, ये देखो ये पूरा का पूरा जो है ये 56 रूट टू हुआ. बट रेडियस के लिए क्या चाहिए हमें हर्षिता, ये पूरा चाहिए कि इसका आधा चाहिए? सर आधा आधा, तो हाफ कर दो बेटा इसका. 56 रूट टू डिवाइडेड बाई टू, टू से कैंसिल हो गया बच्चों 28, तो कितना आ गया ये हाफ, कितना आ गया, दिस इज 28 रूट टू एंड दिस इज ऑल्सो 28 रूट टू. तो ये भी 28 रूट टू हो गया और ये भी 28 रूट टू हो गया, रेडियस मिल गई हमको. अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया सेक्टर का. तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. तो थीटा की जगह 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. रेडियस की वैल्यू रख दो बच्चों. तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने सेक्टर हैं, दो सेक्टर हैं, एक एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. क्यों परी है, दो सेक्टर की नहीं है बताओ? यस सर. तो हमारे पास दो सेक्टर हैं, तो दो हमारे पास सेक्टर हैं, ठीक है ना. तो थीटा बाई टू पाई आर, ये हो गया दो सेक्टर. तो एक सेक्टर ओ ए बी और नीचे सेक्टर ओ डी सी, और दो हमारे पास ट्रायंगल हैं. तो परी क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल कहे जा सकते कि नहीं कहे जा सकते? हाँ सर, क्योंकि ये स्क्वायर में बने हैं तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो बेटा हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा लोगे, ये देखो बेस भी आ रहा है रेडियस भी आ रहा है. करो कहो बच्चों सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर लोगे? यस सर. ओके तो ये करके इसको सिस्टमेटिकली आप करके भेजेंगे. फाइनली रेडियस की वैल्यू रख दीजिए, रेडियस की वैल्यू है 28 रूट टू, 28 रूट टू का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि रेडियस अपनी कितनी निकली थी, यस 28 रूट टू. तो बच्चों ये सॉल्व होकर इतना आ गया और रेडियस की वैल्यू रख दी, तो 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 और रूट टू का स्क्वायर ये. चलो डन, कंफर्टेबल गाइज, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? यस का स्क्वायर क्यों किया है बेटा, किसका किसका स्क्वायर? द लास्ट में रेडियस का, क्योंकि बेटा इन सब में से आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर सबसे कॉमन आ रहा तो बाहर भी तो आर स्क्वायर आएगा. यस सर. ठीक है ना? हाँ सर. ओके, ये होमवर्क था, ये करके दिखाइएगा एंड देन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. चलो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले देख लो बेटा. पलो पढ़ी, सॉरी परी पढ़िए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. क्यूबॉइड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया 2h l plus b, टोटल सरफेस एरिया 2 lb plus bh plus hl, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. क्यूब कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब. राइट सर्कुलर सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. राइट सर्कुलर कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. स्फीयर टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर एंड 2/3 पाई आर क्यूब. यस, ये टोटल सरफेस एरिया है और ये टोटल वॉल्यूम है इसका. और इसके बाद फ्रस्टम की बात करते हैं, तो फ्रस्टम का जो आपका फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आएगा पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, जहाँ पर एल की वैल्यू ये हुआ करती है. ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल इसका हुआ करता है. और ये मतलब ये वाला पार्ट तो रहेगा ही, कर्व वाला पार्ट, साथ ही साथ ऊपर और नीचे के स्क्वायर ऐड हो जाते हैं, सर्कल ऐड हो जाते हैं. तो पाई आर वन स्क्वायर प्लस आई पाई आर टू स्क्वायर और ये वॉल्यूम. तो फ्रस्टम हमारे सिलेबस से इस बार हट गया है तो इसको कोई ध्यान नहीं देगा, आगे की बात करते हैं. चलिए यस हर्षिता, पिछले बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको याद है? यस सर. तो एक बार फिर से वो क्वेश्चन पूछूंगा,
कि क्वेश्चन है द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ द क्यूब इज एज इज 5 सेंटीमीटर एंड हेमीस्फेयर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में ये जो पांच पार्ट हैं आजू बाजू के वो आएंगे और प्लस ये वाला पार्ट आएगा ओके और ये जो बाउंड्रीज हैं ये आएंगी। तो ये बाउंड्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बाउंड्रीज निकालने के लिए आप माइनस कर देंगे ये सर्कल के एरिया को प्लस ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से बेस एरिया हेमीस्फेयर का माइनस किया और कर्ड सरफेस एरिया ऐड कर दिया। बताओ मुझे केवल ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? यस। क्योंकि सर्कल का बेस एरिया माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि उतने पार्ट में वो चीज रिमूव हो जाएगी। तो 150 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 150 प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस सर। प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया हमारा। अब इसकी जगह वैल्यू रख दो बच्चों तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ भाई हर्षिता श्रुति सॉरी यस सर परी clear. परी यस सर क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो परी। मैंक मेड अ बर्ड बर्ड बैट फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। हाँ आपको टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाथ का फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करोगे भाई। अब ये जो है इस पे बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का बेस्ट तरीका है इस पूरे बर्ड बाथ को उस पे डाल दो कलर के डब्बे में डाल दो। तो देखो कहाँ कहाँ कलर आएगा बच्चों, इस पे कलर आएगा और साथ ही साथ इस हेमी स्फीयर पे कलर आएगा। तो दो जगह कलर आएगा, एक जो कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का उसमें कलर छपेगा और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh और हेमी स्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2πr2। तो दोनों को आर रेडियस को कॉमन है तो रेडियस कॉमन ले 2πrh+r। बोलो वैल्यू रख के निकाल लोगे? यस सर। बोलो बन जाएगा बच्चों, ये करके भेजना पड़ेगा आपको? यस यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए परी। अ जूस सेलर was serving his customers using glasses as shown in the below figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of a glass was 10 cm find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Okay. तो देखिए इसकी अपेरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो ये भैया टोटल ग्लास तो आपको कैसा सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है तो टोटल कैपेसिटी इसकी निकलेगी पाई आर स्क्वायर एच, मगर ये कैपेसिटी को कम करेगा क्या है, ये सेमी स्फीयर है। तो हेमी स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, उसको माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब करके ओरिजिनल अपेरेंट कैपेसिटी इसकी आ जाएगी। बोलो बन जाएगा बच्चों? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये करने हैं ठीक है ना, ये सारे आपके होमवर्क हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, मतलब एक कोन है जिसकी हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है मॉडलिंग क्ले चाइल्ड री शेप इनटू द फॉर्म ऑफ स्फीयर। बताइए रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगी, मतलब कोन के पूरे वॉल्यूम को पकड़ करके स्फीयर के वॉल्यूम में बदला जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लोगे? बताओ एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत? नो सर। Yes, sir. हाँ बन जाएगा? Yes, sir. चलिए तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है।
बाकी क्वेश्चन होमवर्क है, करिए जरूर, करते जाइए 1 2 3 4 5 5 6 ओके। देन इसके बाद फ्रस्टम है, तो बच्चों फ्रस्टम जो है वो हमारे सिलेबस से इस बार हट गया है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा बट करना नहीं है सॉल्व। द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 4 एंड पेरीमीटर दी गई है इतना इतना कर्ड सरफेस एरिया, तो क्या होता है फॉर्मूला पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर, तो 2πr छोटे वाले का और बड़े वाले का दिया तो स्मॉल आर आ जाएगा, उसके बाद आपका एस आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नाउ फाइंड 1 2 3 4 एमसीक्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 चलिए। तो ये रहा बच्चों आपके एक कंप्लीट रिवीजन हो गया है यहाँ पे, तो ये पहला पार्ट का रिवीजन कंप्लीट करा दिया अपन ने, है ओके। और इसको आप जरूर इसके जितने क्वेश्चंस हैं ये करके रखिए और लगाते रहिएगा और मुझसे पूछते जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब भी आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। यस ओके से कुडंट लोड, क्यों भाई क्यों लोड नहीं कर रहे हो? आ गया, लोड हो गया बच्चों। चलिए अब जल्दी जल्दी से हम आंसर्स और क्वेश्चन देखते जाएंगे, जहां तक हमने कर लिए थे वहां तक के आंसर्स और क्वेश्चन देख करके आप बताइएगा, बने तो यस सर बोलिएगा और ना बने तो नो सर बोलिएगा, तो मैं रुक करके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। देखिए इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कर लिए थे उन पे टाइम नहीं खराब करेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर रखे हैं। गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग सर। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि काफी दिन हो गया छोड़े हुए। चलिए देखिए द सम ऑफ, बच्चों बहुत स्पीड में बताना है आप लोगों को जो बनेगा कि नहीं बनेगा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट, ये पेपर अवेलेबल है, मैंने ग्रुप में डाल रखा है, आज फिर से डाल दूंगा, अपन को सबको करने हैं। अब मैं आपको पूरे पेपर्स खुद करवाऊंगा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर देखनी थी 2+2, बोलो याद आया, बन जाएगा डन? यस यस सर। चलिए यस सर का मतलब करके आपको भेजना है, और याद रखिए कल मैं देखूंगा सॉल्व पेपर, तो मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ बच्चों, जितने मैं कराऊंगा मैं पूरे देखूंगा। अगला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 0 से लेकर के b तक, क्लियर कंफर्म? यस सर। यस सर, इसमें भी 1 मार्क। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इतना एंड इतने आर, तो इसके जीरोज निकालने के लिए हमने सॉल्व किया था, बहुत बड़ी मेथड गई थी, इस तरीके से सॉल्व किया था, या बेस्ट तरीका बच्चों पुट करके x की जगह चेक कर लो, x की जगह पुट कर दो तो जिस पे पुट करके 0 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो पुट करके आप कर सकते हो, बोलो कर लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब बोलो परी, सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, हाँ हर्षिता ने बिल्कुल सही कहा, परी ने गलत कहा, नो सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन a1 upon a2 = b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 10 आएगी, कर लोगे बन जाएगा? यस सर। सर मतलब ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करना है? ऑब्वियसली फॉर्मूले में वैल्यू रख के k की वैल्यू निकालनी है, उसने कह रहा कि k की किस वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट होगा, तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टली रूट निकालने हैं, दिख रहे हैं डायरेक्टली रूट, उधर ले जाओ a² - b² कर लो, या तो रूट निकल आए, बोलो बनेगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगला माइनस पिछला, नेक्स्ट माइनस बिफोर, बोलिए डन? यस सर। चलिए
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, द nth टर्म ऑफ द एपी, बेहद फर्जी क्वेश्चन, डायरेक्टली एन टर्म का फॉर्मूला लगा लोगे। आंचल यस सर नहीं आया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10th के बाद। हाँ, द पी इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, कह रहा है कि पी इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जनरल पॉइंट जो होता है वो होता है एक्स कॉमा जीरो, ओके। तो मिड यहाँ पे जनरल पॉइंट एक्स कॉमा जीरो है, और आपको निकालना है कि इसका मिड पॉइंट क्या, इसका एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों ये भी एक्स एक्सिस पे बैठा है माइनस वन कॉमा जीरो, और ये भी बैठा फाइव कॉमा जीरो एक्स एक्सिस का, तो इससे इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे इसका मिड पॉइंट ही तो होगा, हाँ या ना। यस तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू का बन जाएगा। Yes, yes, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा Next, है अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच रिफ्लेक्शन इज माइनस 3.5 इन एक्स एक्सिस, कह रहा है कि एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन माइनस 3.5 है, तो माइनस 3.5 नहीं बेटा ध्यान से सुनो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा, बिल्कुल सही बोल गई, माइनस 3.-5, यस करेक्ट आंसर बच्चों, माइनस 3-5 बन जाएगा, रिफ्लेक्शन निकालना था। यस सर, यस सर, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ बच्चों कह रहा है कि एरिया का रेशो निकालना है ए एम अपॉन एम बी, तो बेटा दो ट्रायंगल बनेंगे, एक की साइड बनेगी एक्स और एक की साइड बनेगी 3x, क्योंकि 2x तो नीचे है, तो टोटल जोड़ के 3x बनी कि नहीं बनी, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. और मैंने क्या पढ़ाया एरिया रेशियो थ्योरम, कि दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो एरिया वन अपॉन एरिया टू उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर और इसका 9x2 1/9, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, 1/9 इज द करेक्ट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन आराम से देखो बच्चों, 3 है ये 5 है, तो ये 2 निकाला और 2 2 का डबल हो जाएगा 4। Yes, sir. Yes, sir, 4. Yes. तो इसमें 4 निकालना था क्या, लेंथ ऑफ द पी बी, 2 ही आएगा बेटा क्योंकि पी बी बोला है, टोटल नहीं बोला है, तो 3 और 5 ये 2 हो जाएगा, आ गया समझ में। Yes, sir. हाँ तो आंसर होगा 2, राइट एंगल डेट बी, तो भाई ये क्या कर दिया, कौन सा क्वेश्चन कर दिया, 13 नंबर, अच्छा 12 कहाँ है भाई फिर इसका, हाँ 12 ऊपर है बच्चों, सॉरी, हाँ देख लो बिल्कुल 4 आ गया, समझ में आया। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 6√3 है, ए सी इक्वल टू 12 है, बी सी इक्वल टू 6 है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही होगी तो ये 90 डिग्री होगा, तो चेक करते हैं, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगी कि नहीं लगी बताओ। यस सर, लग गई, मतलब सबसे बड़ी सामने की साइड के अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो सबसे बड़ी साइड है ए सी और ए सी का अपोजिट पॉइंट बी है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द वैल्यू ऑफ टेन वन टेन टू 1089, बताया था मैंने, देखिए टेन वन टेन एट टू, तो टेन वन जो है कैंसिल हो जाएगा 1089 से, टेन टू कैंसिल हो जाएगा 88 से, बीच में केवल 45 बचेगा, आंसर आएगा 1, क्लियर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है, तो बेटा पहले वाले का एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो फर्स्ट वाले का 45 है, तो यहाँ पर बेटा ये 45 जाएगा, और दूसरे वाले में ये 60 है, तो ये कितना जाएगा 30, तो करेक्ट आंसर 45 30। तो हाँ बिल्कुल, तो बेटा इन लोगों ने बट पोजीशन देखो, ये Q1 है ये Q2 है, तो इस वाले का 30 आएगा और आगे वाले का 45, तो लिखने का तरीका देखना, O1 और O2 बोला है रिस्पेक्टिवली, तो पहले क्या आएगा परी, 30 या 45? 30, बिल्कुल सही, पहले 30 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90-θ वाला लगेगा, नहीं बेटा ये 60 है, हाँ तो 30 आ जाएगा, ये एंगल हॉरिजॉन के साथ निकालते हैं ना। पहचानना हुआ कि नीचे वाले के साथ अगर 60 है तो ऊपर वाले के साथ 30 होगा, नहीं आया समझ में। आ गया सर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अगला वाला अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर फोर ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई वन, साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए हो गई, तो साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस की पावर फोर ए, तो और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर फोर इक्वल टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा वन। मैंने क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छे से देखो एक बार। यस सर बन जाएगा। ओके सो दिस इज होमवर्क, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियस निकालनी है, तो बेटा सॉरी क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो ये वाला आर्क, ये वाला आर, ये वाला आर, तीनों के ऐड कर दोगे। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा बाई 360 प्लस आर प्लस आर मतलब 2r। क्लियर? यस क्लियर। यस चलिए अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर चार से कम होना चाहिए, तो कौन कौन चार से कम देगा बेटा, माइनस वन देगा, जीरो देगा, वन देगा, बोलो यस और नो। यस इसका स्क्वायर चार से कम, 3/7, बिल्कुल सही प्रोबेबिलिटी 3/7, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रैंडमली लीप ईयर 52 संडे, 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डिवाइड किया बच्चों तो 52 वीक्स होते हैं और दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 52 संडे बोल रहा है, तो जब 52 हफ्ते ही हैं तो 52 संडे कितने होंगे, 52 ही तो होंगे, 52 ही तो होंगे, क्योंकि 52 वीक में 52 संडे आएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1। यस कितनी श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी हो गई, 1। डन? यस सर डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड अ क्लास मार्क ऑफ द, बहुत ही सिंपल, क्लास मार्क का वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ कर लोगे। यस सर। यस सर 45। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाई को फेंका गया, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी 3/6, 1/2। क्लियर? चेक करिए। यस सर। यस सर। बन जाएगा ना? हाँ सर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, इन फिगर ए ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीबीसी, ऑन टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, अगर एडी बीसी को ओ पर काटता है, तो ट्रायंगल एबीसी अपॉन डीबीसी का रेशियो शो करिए कि एओ अपॉन डीओ होगा। चलो बच्चों लिखो क्वेश्चन को कॉपी में। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? बोलो जल्दी से। यस सर। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे yes, देखो sir. दोनों परपेंडिकुलर गिराओ इसमें से, दोनों परपेंडिकुलर गिरा के दो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे, ये और ये। अब इसमें निकाल लेना रेशियो, इसमें आप इनका एरिया का रेशियो निकाल देना, तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ओके you
चलिए सॉल्व कीजिए। करिए आराम से करिए, ट्रायंगल के क्वेश्चन बहुत आराम से करना तब बनेंगे। बना यस सर। आगे आंसर। हाँ सर। भेजिए बेटा ग्रुप में भेजिए। यस सर। हाँ भाई परी हैव यू डन? परी हाँ सर 2 मिनट करवाया था पहले, याद है कि नहीं? याद है, भूल गया? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे। परी हर्षिता ने भेजा, ओके। क्या हुआ आंचल, तुम बोलती क्यों नहीं हो बेटा? नहीं बन रहा क्या तुमसे ये क्वेश्चन? नहीं से कर रही हूँ। ओके बना, अब तक तो हो जाना था बेटा, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है ये।
यस सर डन। ओके ये है वो पीडीएफ, अगर आपको मिल नहीं रहा है तो मैंने टैग कर दिया, एक सेकंड आ रहा, रुक जाओ। चलो डन। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नोट करो जल्दी से क्वेश्चन। हाँ पीडीएफ मैंने टैग कर दिया, ओपन कर लो, दिक्कत हो रही हो तो। ये भी बताया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में ए डी स्क्वायर निकाल दो और दोनों को इक्वल कर लो, आंसर आ जाएगा। याद आया बच्चों? यस सर। कैसे करते हैं? हाँ चल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस वाले में। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, और दूसरे वाले में लगाओ तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी नहीं है पिक्चर में तो गायब कर दो, बेस्ट तरीका। तो ये माइनस कर दो, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया अपने पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो इसके तरफ ये ले आओ, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, नोट कर लो इसको, करके लाना है, कल तो मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों, ये करके लाने ही पड़ेंगे, ये सारे सॉल्व वाले, सॉल्व वाले तो एक भी नहीं रखूंगा मैं, करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनके सोल्यूशन भी मैंने बना दिए। सोल्यूशन से हेल्प लो और सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रेक करके इससे ये कैंसिल कर दिया, वन प्लस कॉसेक अल्फा माइनस वन आ गया। बोलो प्रूव्ड कि नॉट प्रूव्ड? यस सर। यस सर। अच्छे समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, शो दैट टेन इज टेन की पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। गुड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिख लो बच्चों कॉपी में एक सेकेंड में। सर इसमें बस इनकी वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू? कुछ नहीं, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे ना तब तो बनेगा। चलो पहले लिखो एल एच एस, एल एच एस ले लो बेटा, एल एच एस या आर एच एस जो भी लेना हो ले लो, इसने आर एच एस ले लिया है, ये आर एच एस से कर दिया है, आर एच एस से जल्दी आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा सरल है। चलिए तो आर एच एस इक्वल टू सेक की पावर फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो यस। यस सर। अब सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन खुद में होता है टेन स्क्वायर थीटा। खोल दो बेटा इसको, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? डन। यस सर। चलो कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे। बहुत सुपर। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन, ये हो गया, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट इक्वल टू द रेडियस। कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो सिलेंडर की जिसकी हाइट रेडियस के इक्वल है, इज 25 रेस टू वन रेस वन रेशो सेवन, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर विद इट हाइट्स इक्वल टू द रेडियस। बच्चों देखिए कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम दिया गया बच्चों इतना 25 रेस टू 1 बाई 7, तो कैसे निकालोगे, 25 सेवंजा और फिर प्लस 1 ऐड कर दो, है ना? तो वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 25 रेस टू 1 बाई 7 मतलब 176 बाई 7। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 176 बाई 7।
अब कह रहा है कि जो रेडियस है वो हाइट के इक्वल है, मतलब जहाँ पे हाइट है वहाँ पे आप रेडियस डाल दो, तो पाई आर स्क्वायर और हाइट की जगह रेडियस, तो कितना हो जाएगा, हाइट की जगह रेडियस डाल दी इक्वल टू 120 176/7। बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब इक्वल टू 176/7। 7 से 7 कैंसिल बच्चों, और 22 से कितने बार जाएगा 176, 8 बार, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 8 आ गया, तो क्यूब रूट होगा 8 का। आर क्यूब 8 को क्या लिख सकता हूँ, परी 2 × 2 × 2 मतलब 2 का होल क्यूब, 2 क्यूब से क्यूब कैंसिल, आंसर आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। चलो देखो एक बार सोल्यूशन क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, ए चाइल्ड हैज अ डाइस 6 फेस दिए गए हैं, एक बार फेंका है, बताओ ए आने की प्रोबेबिलिटी और डी आने की। तो ए आने 1 2 3 4 5 6, ए आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6। क्लियर, यस और नो? यस सर। और डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी परी? डी आने की क्या होगी, एक ही तो है, 1/6 नहीं होगी क्या? यस सर, 1/6। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉड कंप्यूट करना है, फाइंड द मॉड। तो मॉड के लिए सबसे मॉडल क्लास देख लो, ये मॉडल क्लास होगी क्योंकि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी इसी की है, यस और नो? यस सर। ओके, अब इसके बाद वो फार्मूला लगा दो बेटा, मॉड वाला फार्मूला। तो सबसे पहले ये अपने पास फ्रिक्वेंसी सबसे पहले मॉडल क्लास की देख ली 17, इसके पीछे वाली इसको क्या बोलते हैं F1, इसको क्या बोलते हैं F0, इसको F0, क्या बोलते हैं F2। अब वो फार्मूला लगा लिया हमने, बोलो बन जाएगा फार्मूला लगा करके मॉड निकाल लोगे? यस। होमवर्क पक्का आएगा एग्जाम में, इस तरीके का क्वेश्चन करना पड़ेगा। चला लो बेटा पीछे वाला ऑन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 27, 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19। उसके बाद ये वैल्यू, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके x और y, बेटा पीछे वाला चला लो, ये बंद कर दो, पीछे बैठ जाओ, ये दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में x की जगह 4 रखेंगे ना, उनकी मतलब स्पेस जो है बीच में, मतलब गैप। नहीं, किस वाले क्वेश्चन में बेटा? हाँ, 4 रखेंगे और क्या, 4 का गैप है ना, देखो 4 का गैप है x की जगह, h की जगह 4 रखेंगे, ये देखो 4 रखा हुआ है। ओके सर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में, शुरू के दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, x और y निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे एलिमिनेशन मेथड से? यस सर, निकाल लेंगे। और वो x y को उठा के इसमें और इसमें पुट कर देना, बन जाएगा? यस सर। ये देखिए x और y निकाला और x और y की वैल्यू उठा करके डाल दी अपन ने, ये y निकल गया, फिर एक्स वाई पहले में डाल दिया तो आंसर आ गया 31, ना दूसरे में डाल दिया तो आंसर आ गया -5/7। क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर। बन जाएगा? चलिए हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर एक्स, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर उधर लाओ सॉल्व कर दो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x + 4 इतना सॉल्व कर दो बस। यस। कोई प्रॉब्लम जाएगी क्या इसमें? नो सर। नो सर। चलो नो, तो एक्स की वैल्यू 1 2। ओके यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द टर्म्स, ऑल टर्म्स ऑफ एपी इन विच फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए पी, आपको शो करना है कि सारे टर्म्स का सम ये होगा। चलो क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन लिखिए इसका, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए पी
यस सर। एक सेकंड बेटा, चलिए अब देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए कैसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो है शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म्स इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इक्वल टू इतना होगा। देखना अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो पहला टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, बी माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। सेकेंड टर्म बी है, पहला टर्म ए है, तो कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि लास्ट टर्म सी है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म इक्वल टू सी, तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। और a की वैल्यू क्या है, a है, और d की वैल्यू क्या है, b माइनस ए है। यहाँ पे रखो a प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए इक्वल टू सी। ओके यस सर। तो यस सर, एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, एन माइनस वन इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। सो एन इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब कितना हो जाएगा, देखो बी हो गया प्लस सी हो गया माइनस टू ए, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए होगा कि नहीं होगा, ये देखो एन। यस सर। जबरदस्ती कोई असर नहीं कहेगा, समझ में आए तभी असर कहना भाई है। हाँ सर। यस सर। अब सम ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो पहला टर्म ए है और लास्ट टर्म सी है, और एन की वैल्यू ये निकाल रखी है सी प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए। तो बोलो आ जाएगा हो करके सॉल्व ये। यस सर। चलिए देख लिया अच्छे से, कंफर्टेबल हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये सीरीज है इसका लास्ट टर्म एक्स है और सम दिया गया है 287, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। जय जय, ये लो लाए हो मोबाइल, प्ले कर लो इसी में। हाँ लाए हो, ये लो प्ले करो, शेयर कर लो या तो उसमें ग्रुप में। चलिए देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वन प्लस फोर प्लस सेवन, एम ए पी बन रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस थ्री का है, तो ए पी बन रही है। ये देखिए ए पी बन रही है, ए पी बन गई, फर्स्ट टर्म है ये वन, कॉमन डिफरेंस है थ्री, ए एन एंथ टर्म है एक्स और एस एन है 287। तो ए एन इक्वल टू एक्स लेकर के ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एक्स, यहाँ से एन माइनस वन इक्वल टू डी इंटू एक्स। तो एन की वैल्यू बच्चों एक्स के टर्म्स में निकाल ली। पहले इतना देख करके मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लास एलेवेंथ लिख जाओ, ऊपर लिखो एलेवेंथ लिख दो ऊपर वन वन। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है लिख लिया। हाँ यहाँ तक एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू आने के बाद एस एन आपको दिया गया है 287। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन का एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन की वैल्यू है अपने पास एक्स प्लस टू अपॉन थ्री, फर्स्ट टर्म है वन और लास्ट टर्म है एक्स इक्वल टू 287। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों, और एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी प्लस 40 एक आएगी माइनस 43। तो माइनस 43 एक्स की वैल्यू हो नहीं सकती है ना, क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हुआ एक्स इक्वल टू 40। बताइए
समझ के बताइए, जल्दी भगने के जुगाड़ में मत सोचो कि जो मतलब जल्दी से क्लास खत्म हो जाए इसलिए हाँ हाँ बोल दो। यस सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन आंचल पढ़ो। इन अ फ्लाइट, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो ड्यू टू बैड वेदर। द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। चलिए देखिए बेटा, मान लो कि टाइम का फ्लाइट का ड्यूरेशन टी टाइम था, तो पहले टाइम स्पीड जो थी, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड जो थी वो मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर थी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ओरिजिनल टाइम कितना लगना था, 600 अपॉन एक्स लगना था कि नहीं लगना था? यस सर। हाँ मगर मौसम ख़राब हो गया तो टाइम जो है कम, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई, तो नया वाला टाइम टी टू इक्वल टू, दूरी तो 600 ही रहेगी मगर स्पीड 200 से कम कर दी, तो x माइनस 200 हो गई कि नहीं हो गई बताओ? यस सर। समझ में आया सभी को? हाँ सर। कोई जबरदस्ती यस नहीं बोलना। तो T1 और T2 ये दो टाइम हो गए अपने पास। अब ये बताओ मेरे को हर्षिता, कौन सा वाला टाइम ज़्यादा है, बाद वाला कि पहले वाला? सर बाद वाला। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, बाद वाला टाइम ज़्यादा है क्योंकि इसमें स्पीड कम हो गई है। और बाद वाले टाइम में और पहले वाले टाइम में परी कितने टाइम का फर्क है? 30 मिनट्स। 30 मिनट को आवर में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यस सर। क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर 30/60। वेरी गुड बेटा आंचल, तो बिल्कुल सही। ये देखिए तो पहले वाला अपन ने ले ली 600/x, दूसरे वाले में 600/x माइनस 200। तो देखो बढ़ा वाला टाइम, ज़्यादा वाला टाइम T2 माइनस कम वाला टाइम T1, ज़्यादा और कम वाले टाइम में कितने का फ़र्क है? 30 मिनट, मतलब 30/60। बोलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। यस सर। सॉल्व कर लोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? हाँ सर। और सॉल्व करके स्पीड आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, प्लस की एक माइनस की, तो आपको पता है नेगेटिव स्पीड होनी सी थी, इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो आंसर आएगा स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है यूजुअल टाइम कितना लगता, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यूजुअल था 600 और स्पीड निकली कितनी, 600, तो आंसर कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 आवर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। चलो ओके, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन जो था वो 600 वन आवर था, ठीक है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो परी। इफ द मिड पॉइंट, If the midpoint of the line segment joining the points A 3,4 and B K,6 is P x, y and x plus y minus 10 equals to 0, find the value of K. Okay. अब देखो बेटा इसका क्या कह रहा है। कह रहा है कि if the midpoint of the line segment joining the point this is P x, y and x minus y minus 10 equal to 0. कह रहा है कि एक मिड, इसको ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट है ये है, ओके, और एक इक्वेशन ये है, तो बताइए कि की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना बेटा कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 3,4 है और ये K,6 है, इसका मिड पॉइंट है बेटा पी एक्स कॉमा वाई। तो बेटा ध्यान से बताओ, एक्स को आप क्या 3+k लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? एक्स इक्वल टू 3+k/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो देखो ध्यान से, x इक्वल टू 3+k/2, यस और नो? यस सर। और परी y की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 4+6/2 होगी कि नहीं होगी, यानी y की वैल्यू 5? हाँ सर। x और y दोनों की वैल्यू आ गई? यस सर। एक इक्वेशन हमें दिया गया है कि नहीं दिया गया? यस सर। उस इक्वेशन में क्या कर देंगे x और y की वैल्यू को? वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए कर लोगे आंचल, बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। चलिए
अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद ए ऑन मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी की बीम ए बिगिंस बींग 2, -1 एंड 0, -1। एक वर्टेक्स ए है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू ए इस 2, -1 एंड 0, -1। तो हाल क्या है बच्चों, एक आपको वर्टेक्स दिया गया है ए और बाकी ये दिया गया है मिड पॉइंट और आपको एरिया निकालना है। तो मिड पॉइंट का यूज़ करके ये वाले पॉइंट निकाल लोगे, फिर उसके बाद एरिया वाला फार्मूला लगा दोगे। तो एरिया वाला फार्मूला बच्चों यहाँ से ये वाला पार्ट सिलेबस से आपको हट गया है, जो ये वाला पार्ट है इतना ये सिलेबस से हट गया है, बट केवल आपको वो निकालने को बोल सकता है कि बाकी वाले पॉइंट निकालो। तो दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी इजी। कैसे निकालोगे बेटा, इसको मान लोगे x1 y1। अब क्या कहोगे कि इसका और इसका मिड पॉइंट 2 है, तो लिखोगे x1 + 1 का आधा इक्वल टू 2। तो x1 + 1 = 2, 2 = 4, मतलब x1 = 3। यस की नो? यस सर। ये देखो सिमिलरली इसका -4 + y1 = -1, -4 + y1 का हाफ इक्वल टू -1। तो -4 + y1 = हो जाएगा माइनस का 2। तो y1 = -2 + 4, मतलब y1 = हो जाएगा +2। क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। चलिए जी बहुत अच्छे। तो कर लोगे, निकाल लोगे ना मिड पॉइंट, ये वाले पॉइंट निकाल सकते हो ना। एरिया तो नहीं निकालना, आपके सिलेबस से हट गया तो मैं एरिया की बात नहीं करूँगा। डन डन यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये दूसरा पार्ट भी हो गया। 31 क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 7 ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एंड द साइड ऑफ लेंथ आर मार्क्ड अलोंग देम, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच ट्रायंगल। चलिए भाई लेंथ फाइंड करनी है, सब ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी है। सिमिलर दिए हैं बच्चों, सिमिलर दिए हैं तो पता है आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो होते हैं वो इक्वल हुआ करते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 2x - 1/18 इसका इसके साथ इक्वल टू 2x + 2/3x + 9 इक्वल टू 3x/6x। आहा बल्ले बल्ले, कैंसिल हो गया एक्स एक्स और 3 2 जाए इतना आ गया बच्चों 2x - 1/18 इक्वल टू 1/2। बोलो यस यस सर। ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल कर दिया। आंचल समझ में आने वाला ऐसे कि जल्दी भगने वाले ऐसे? तो समझ में आने वाला। चलो तो 2x - 1 = 9 का ऊपर चला जाएगा 9, तो 2x = 9 + 1 हो गया 10, तो x = 10/2 मतलब कि 5, x की वैल्यू 5 आ गई। चलो सारी साइड निकाल लोगे, x की जगह 5 रखते जाओ, तो 2 5 = 10 - 1 मतलब 9 हो गई, 3 5 = 15 हो गई और 2 5 = 10 + 2 = 12। तो पहले ट्रायंगल की साइड बनी 9 15 12 या 9 12 15। चलो चेक करता हूँ, अरे पटाखे फोड़ो, बिल्कुल सही है, डूम 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 डूम, बिल्कुल सही है। बोलो बन जाएगा, ऐसे कर लोगे सारे? यस सर। ऐसे ये 18 तो दी है, 6 5 = 30 और 3 5 = 15 + 9, 15 और 9 कितना होता है, 9 5 = 14 34। देखते हैं 18 30 34 सही है कि गलत है। 18 अच्छा 30 सही है, 34 की जगह 24 आना था जल्दबाजी में मैंने 3x, हाँ 15 + 9 = 24 होगा बेटा, 24 नहीं होगा, बिल्कुल सही। चलिए तो ये भी हो गया। अब सच सच बताओ आगे पढ़ने का मन बचा है कि बिल्कुल दिमाग थक के चकनाचूर हो गया? बचा है मन, इतने देर में जवाब हो दिया रहे हो मतलब बचा है मन। चलो क्यों भाई, परी बोलो। यस सर। यस सर। हिम्मत बची है कि नहीं बची? हाँ सर थोड़ी। चलो थोड़ी सी, अरे हमसे सच बोल सकते हो। देखो ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं कि हम बोले जा रहे हैं और तुम हूँ करते जाओ, फिर मत पढ़ो। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो पढ़ो, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। चलो
क्वेश्चन देखो बच्चों, ए सर्किल टचेस द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट पी, एक्सटेंडेड द साइड ए बी एंड ए सी एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। प्रूफ करना है ए क्यू इक्वल टू हाफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे कराऊंगा, नहीं बनेंगे फिर दोबारा पूछना, तीन बार पूछना, मैं जितने बार बोलोगे उतने बार करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल है, एक सर्किल टचेस द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड बी सी को टच कर रहा है सर्किल, एक ट्राइंगल ए बी सी है उसकी साइड बी सी को टच कर रहा है, ये देखो सर्किल की साइड टच कर रहा है। अब इनका कहना है कि अगर पी को ए बी सी एट पी, कहाँ पे टच कर रहा है, पी पर, ये देखो पी पर टच कर गया, उसके साथ ही साथ इनका कहना है पी एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड साइड ए बी एंड ए सी एट क्यू एंड आर, और साथ ही साथ अगर आप ए बी और ए सी को एक्सटेंड कर दो तो ये क्यू और आर पर भी टच करता है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए क्यू इक्वल टू वन बाई टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ए क्यू इक्वल टू वन बाई टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। बोलो बच्चों, यस समझ में आया इतना कि नहीं आया, ए क्यू कहाँ बैठा बेटा, ये बैठा। अब बच्चों आप ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों ये बताओ मुझे, ए क्यू और ए आर लेंथ में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सेम टेंजेंट है। अब ध्यान से देखो बच्चों, बी पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचो तो बी क्यू और बी पी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, सी पी और पी आर सी आर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, सी पी और सी आर नहीं होंगे, हाँ। अब देखो बच्चों, ट्रायंगल की पेरीमीटरी क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगी कि नहीं होगी, हाँ। तो ट्रायंगल की जो पेरीमीटरी होती है वो होती है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को इक्वल करते हैं। क्या मैं ए बी को ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ए बी को, यस सर। क्या मैं बी सी को बी पी प्लस पी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस सर। क्या मैं ए सी को ए आर में से सी आर हटा के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ सर। ओपन कर दो बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी पी की जगह बी क्यू क्यों ले आया बच्चों, क्योंकि जितना बी क्यू बी पी है उतना ही बी क्यू है, बोलो यस, यस तो बी क्यू की जगह बी क्यू, और पी सी की जगह क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, पी सी की जगह क्या आएगा, सी आर, सी आर, ओके। और यहाँ पे देखो ये है ए आर माइनस सी आर, सी ए को क्या लिख दिया था, ए आर माइनस सी आर, और ए आर ए आर ए आर की जगह ए क्यू आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ, यस बस अब तो मजे ही मजे। अब देखो बेटा, सी आर से सी आर कैंसिल, बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, केवल क्या बच गया, ए क्यू प्लस ए क्यू, बस टू ए क्यू बच गया, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू टू ए क्यू, हाँ या ना, यस सर, हाँ सर। मज़ेदार है, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आ गया समझ। हाँ तो इजी क्वेश्चन आते हैं, सर्कल के क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं है ना, बट इजी रहते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू इतना आ गया, तो ए क्यू का टू छुड़ा करके नीचे दे दो, तो हैंस प्रूव्ड, डन, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू है, तो प्रूफ करो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टू। कैसे प्रूफ करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने के बाद होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू इतना आ गया। पहले बताओ यहाँ तक देख करके, अच्छे से टाइम लेके बताना, जल्दी तुरंत मत बोल देना, तुरंत बोलने का मतलब जल्दी बोल दिया भगने के जुगाड़ में, अच्छे से आराम से देख करके बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। जय क्लियर है, हो रहा करो कंटिन्यू। यस सर, आ गया, ओके। अब देखो बेटा, आपसे पूछा गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस, कुछ पूछना है एक सेकेंड, और कॉट थीटा मतलब कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन ऊपर गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस ऊपर गया कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई टू, तो वन बाई टू पलट करके टू आ जाएगा। बोलो क्लियर,
बन जाएगा। हाँ सर बन जाए। ओके तो ये हो गया बच्चों, बन जाएगा, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आंचल, 34 क्वेश्चन। द एरिया, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। भाई फेंसिंग कहाँ पर लगती है? फेंसिंग मैदान में लगती है कि बाउंड्री में लगती है? सर पेरीमीटर। पेरीमीटर में। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। एरिया दिया गया है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, उसका यूज़ करके आर निकाल लो, वो आर निकालने के बाद 2πr निकाल लो, और 2πr का मल्टीप्लाई 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसे, रुपये 50, सॉरी बेटा 50 रुपये से, तो रुपये से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। चलो देखो, ये दिया है एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, इतना सॉल्व करके आर स्क्वायर की वैल्यू आ रहा गया 84, सरकमफेरेंस 2πr, 2πr में मल्टीप्लाई कर दिया कितने का, 50 रुपये का। अब आप कहोगे सर 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 ये 100 का क्यों? क्योंकि बेटा जो सरकमफेरेंस आई थी वो सेंटीमीटर में थी, 528 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदल लेना। क्यों? क्योंकि जो आपका खर्चा है ना वो मीटर में दिया गया है, 50 पर मीटर, तो इसलिए 50 में बदल लेना मीटर में, तभी लगाना। डन? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए सेक्शन नंबर डी, प्रूव दैट रूट फाइव इज एन रेशनल नंबर। भैया मैंने करवाया है कई बार, रूट फाइव रेशनल नंबर, ए अपॉन बी मान लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर इक्वल टू मल्टीपल ऑफ फाइव, फिर दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो उसमें भी फाइव आ जाता है, और हम कहते हैं देखो जी दोनों में फाइव फाइव आ गया, मतलब वो को प्राइम नहीं हुआ, मतलब अपना सपोजिशन रॉन्ग है, हैंस रूट फाइव इज एन रेशनल नंबर। देखो बच्चों समझ में आया? क्लियर? हाँ सर। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने करा दिया, अब अगर मैं 36 क्वेश्चन नंबर कराता हूँ, स्मॉलर 9 आवर्स, मैं 36 कल कराऊंगा, क्योंकि 36 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग बहुत खतरनाक वाला यूज़ होने वाला है, तो मैं 36 से कल करूँगा। बट याद रखिएगा, अगर आपने कल 35 तक क्वेश्चन नहीं करे तो मैं हाई कोर्ट में आपकी शिकायत कर दूंगा। समझ गए आप लोग? यस यस।